अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम चिकन चीज़ टाकोस बनाएंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। 250 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया, छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए। 100 ग्राम इसके अंदर योगर्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून क्रश चिली, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ओरिगानो ऐड की है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ें और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। जब तक हम बाकी चीज़ें करेंगे, जब तक ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और वीडियो एटलीस्ट 2-3 मिनट वॉच किया करें, उसके बाद सब्सक्राइब किया करें। 1 कप मैंने ऑल पर्पस लिया है, 1 कप मैंने सादा आटा लिया है, नमक लिया है, थोड़ी सी शुगर ली है इसके अंदर और 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ। चक्की वाला आटा लिया है मैंने 1 कप इसके अंदर और 1 कप मैंने इसके अंदर मैदा लिया है। दोनों चीज़ें मिक्स कर देंगे ताकि ज़रा सॉफ्ट बने और अच्छे से बने टाकोस। आप चाहें तो पूरे मैदे की भी बना सकते हैं, पूरे आटे की भी। इसको हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे और हम इसको भी 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने रखेंगे ताकि इसकी डो अच्छे से सेट हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको नरम नहीं रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा हार्ड बनाएंगे, अच्छे से डो गूंद के। बहुत मज़े के लगते हैं ये, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। चिकन होती है, चीज़ होती है, बस उनको तो और क्या चाहिए, बच्चों को दोनों चीज़ें उनकी फेवरेट होती हैं, तो बस बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा इसके अंदर इस तरह करके समेट देते हैं और हम इसको अच्छे से भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक और उसके बाद हम इसको रेस्ट होने के लिए रख देंगे ताकि ये जो है बना फौरन बनाएंगे तो फिर इसकी रोटियां जो है वो फटने लगती हैं। थोड़ा सा ये रेस्ट सेट हो जाता है तो हम इसको जब तक हम चिकन तैयार कर लेंगे। देखिए 2-3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल ले लेंगे और ये चिकन डालिए, इसको हम अच्छे से बना लेंगे। इसको अच्छे से कुक कर लीजिएगा ताकि ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा और बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। अब हम इसकी रोटियां बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको सारी चीज़ें लगा के इसको हम सेकेंगे बहुत अच्छे से। छोटे पेड़े लें, बहुत ज़्यादा बड़े पेड़े नहीं, दरमियाने साइज़ की रोटी बनेगी इसकी। आप चाहें तो बाज़ार के बने बनाए भी ले सकते हैं टाकोस, लेकिन ये कि अगर आप घर में बनाएंगे तो बहुत चीप पड़ेगा आपको, समझ लें आधे से भी कम कीमत में आपको पड़ जाता है। और दूसरी बात ये कि हाइजेनिक होते हैं, आप खुद बना रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, तो आपका भी दिल मुतमईन होगा कि भाई हम खुद बना के दे रहे हैं, चीज़ साफ़ सुथरी है, अच्छी है और जितने की आप बाज़ार से लेंगे उससे कम कीमत में आपके डबल बन जाएंगे। देखिए इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी हम बनाएंगे और इसको हम सेक लेंगे। हम बहुत ज़्यादा नहीं सेकेंगे अभी क्योंकि हम बाद में इसको सारी चीज़ें इसके अंदर असेंबल करके और हम इसको ऑयल में, अब इस तरह से हम इसके अंदर चिकन रखेंगे। अच्छे से फिलिंग करिएगा, ज़्यादा से कम नहीं करिएगा। और मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स करी हुई है इसके अंदर, चेडर चीज़ कम की है, मोज़रेला ज़्यादा की है। चेडर चीज़ से जो है सॉफ्ट रहते हैं अंदर से, टेक्सचर आता है उससे। इस तरह से ऑयल लगा के सेक लेंगे। बहुत अच्छे से इसको क्रिस्प से सेक लें और उसके बाद उसके अंदर हम सैलेड लगाएंगे। सारी चीज़
चीज़ें आप बना के तैयार करके रख लें, और जब कोई गेस्ट भी आपके यहाँ आए या कोई बच्चे आए तो आप उनको उसी वक्त इस तरह से असेंबल करके, ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ के अंदर चीज़ का वो आया है। अब हम इसके अंदर प्याज, खीरा और कैबेज, टमाटर, जो चीज़ आपको चाहे आप अंदर करके इस तरह से फिल कर लें, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। आप यकीन माने इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा इसको, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी है। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।